हेलो वालेकुम मैं फल्क की रहने वाली हूँ मेरे घुटनों में बहुत दर्द है शुगर बढ़ी हुई है आप लोगों को मैं मेरी मदद करें तो अच्छा है आप लोगों के दुआ करूँगी मैं मैं बहुत परेशान हूँ मैं बहुत परेशान मेरे घुटनों के दर्द से मैं कुछ चलने नहीं आ रहा मैं को तो फिरने नहीं आ रहा कुछ काम नहीं कर सक रही मैं बैठती हूँ बैठे बैठे इबादत कर लेती हूँ इशारों से मैं बहुत तकलीफ़ हूँ बेटे अल्लाह तुम्हारे को अच्छा रखो मेरी कुछ तभी तो मदद करो मैं आपके कैसे दुआ करूँगी मैं मैं बहुत परेशान हूँ मेरा कोई सहारा नहीं है आप लोग मेरा सहारा बनो मेरी मदद करो अल्लाह के वास्ते अल्लाह के, के पास मैं आपके लिए दुआ करूँगी बेटे मैं नमाज पढ़ के मेरे बच्चों तुम्हारा जो भी है मेरे बच्चे समझ के मेरी मदद करो बेटा की मदद फरमेंगे इन शामक मैं आपकी बहन सैदा नाहिदा ख़ादरी जैसे कि आप लोग जानते हैं ट्वेंटी थर्ड नवंबर ट्यूज़डे ने मंगल का दिन और इस वक्त मैं मंगल और चाश्मे की दरमानी रात के टाइम इस वक्त मैं आंटी के पास आई हूँ इस वक्त रात के बारह बज चुके हैं आंटी इस वक्त मुझे बहुत रोके परेशान होकर फ़ोन करी थी क्योंकि इस वक्त आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है ये आप देख सकते हैं आंटी के शुगर टेस्ट की रिपोर्ट्स यहाँ पर मौजूद है फोर सिक्सटी चार सौ साठ शुगर इनको पहले की और खाने के बाद की शुगर छः सौ पचास बता रहा है इसमें सिक्स फिफ्टी फ़ोर बता रहा है खाने के बाद की शुगर उनकी तो इस वक्त आंटी की शुगर बहुत बड़ी हुई है बहुत तकलीफ में है इनको अंधेरा हो गया है में अंधेरी हो रही पैर से चल नहीं सक रहा है इनको इतनी तकलीफ़ में है बेचारे यकीन मानिए आप बहुत तकलीफ़ में परेशान हाल है ये इनका आधार कार्ड है और इनके शहर का डेथ सर्टिफिकेट है इनके शोहर का इंतक़ाल हो चुका है आंटी बेवा है इनका कोई सहारा नहीं है इनको एक बेटा भी नहीं है सिर्फ़ एक बेटी थी जिसकी वो शादी कर चुकी हैं ये आप देख सकते हैं पूरे दवाइयों के पत्ते इस वक्त इनके पूरे खाली है जिसकी वजह से ये बहुत तकलीफ में थी बेचारी बहुत परेशान होकर दवायाँ तक खत्म हो गए बल्कि मेरे को कॉल करे बहुत रो रहे थे आंटी इसीलिए मैं मैं इनके पास इतनी रात को यहाँ पर आई हूँ तो मैं बस ये चाहती हूँ कि आंटी को जैसे कि घर का किराया है इनके राशन है इनकी दवाइयाँ हैं पूरे मिला के इनको एक दस हज़ार रुपये की मदद की ज़रूरत है आप लोग जैसे चाहें इनके लिए मदद दे सकते हैं पाँच सौ हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार जो चाहे देखिए एक माँ समझ के आप लोग इनके लिए मदद करिए या फिर आप लोग डायरेक्ट आकर इनके दवाइयों का इंतजाम करिए या फिर आप लोग डायरेक्ट आकर इनको दुआने को लेकर जाकर इनका, इनका इलाज करवा सकते हैं इनकी शुगर बीपी आप लोग खुद चेकअप करा सकते हैं इन इतनी तकलीफ में घुटनों में बहुत तकलीफ है चल नहीं सक रही हैं आंखों में अंधेरी आ रही है एक तो पक, एक आप देख सकते हैं एक कमरे की ज़िंदगी है बेचारों की यहीं पर पका लेती हैं बैठ के नीचे खा लेते हैं और ये नमाज़ पढ़ के वहाँ कुरान शरीफ का पारों का डब्बा रखा हुआ है अलमदिल्ला पारा पढ़ती हैं डेली कुरान शरीफ की तलावत करती है तहजगार हैं लेकिन बोलते हैं ना कि अल्लाह ताला किसी ना किसी को कोई ना कोई तरीके से आज़माइश रखता है हाँ। तो ऐसे वक्त में ऐसे हालात में इनकी परेशानी के वक्त में आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनकी हम मदद करें इस वक्त में खिदमत खर्ची की तरफ से इनको जैसे कि दवाइयाँ वगैरह कुछ नहीं उसके लिए मैं कुछ मदद दे रही हूँ आंटी को देख लीजिए आंटी बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग इनके लिए आगे बढ़कर मदद करें एक अपनी माँ समझ कर एक अपनी वालदा समझ कर इनके लिए मदद करें पाँच सौ हज़ार दो हज़ार पाँच हज़ार जो चाहे मदद करें देखिए लोग लाखों में मंग लेते हैं लाखों में लोगों की आप लोग मदद उठा के करते हैं लेकिन जो वाकई में ऐसे मुस्क है जो जिसका कोई सहारा नहीं है जिसकी कोई उम्मीद नहीं है बस घरों में ऐसा होता है बेटा आता है शाम के वक्त बेटा आता है चलो कुछ कमा के लाया वो एक उम्मीद होती है इंसान को शहर आया कुछ कमा के लाया वो एक उम्मीद होती है यहाँ पर आंटी को कोई उम्मीद नहीं है इनका कोई पुराना हाल नहीं अब तो मेरे को इतना तकलीफ रोना आ रहा आंटी मेरे से ये कि बेटे यकीन मानो मेरे पास खाने के लिए दवाओं के लिए जो पैसे नहीं है ना मैं ये सोच रही हूं कि कहीं दरगाह में जाके बैठ जाऊँ क्या कहीं दरगाह में जाके मैं अपना गुजारा कर लूं क्या मैं घर छोड़ दूँ क्या इस तरीके की बातें कर रही मेरे को तकलीफ हो के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि बेचारे आंटी को आप लोग देख सकते हैं वो अपने मुंह से अपनी खुद जबानी वो लोग आपको अपनी तकलीफ सुना रहे तो जाहिर सी बात है आप अपनी वालदा समझ के मदद करिए अल्लाह तौला आपकी वालदा को सेहत देगा आप ऐसे औरतों की बुजुर्ग औरतों की मदद करेंगे तो अल्लाह तला आपके वालिदीन को सेहत देगा तंदुरुस्ती देगा आपके घर वालों को सेहत और तंदुरुस्ती देगा क्योंकि अल्लाह तौला भी बोलते हैं ना कि दे के आजमाता है तो जिस लोगों जिन लोगों को अल्लाह ने दौलत नवाजी है जिन लोगों के पास हमारे अहल खैर हमारे जितने भी हजरात हैं उनको जिसमें अल्लाह तैयार दौलत नवाज़ी अगर वैसे लोग इनके लिए आगे बढ़कर इनके लिए मदद करेंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह तला उनकी कमी में और बढ़कर देगा क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि तू किसी को अपन हाथ उठाकर किसी को दस रुपये देंगे तो उसके अल्लाह ती आपको कई गुना उस बढ़ के आपको उसकी दौलत नवाजता है तो ये माँ की दुआएँ लीजिए ये माँ को अपनी माँ समझे इस माँ की तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करें या फिर आप लोग डायरेक्ट आकर मदद देना चाहते हैं तो डायरेक्ट आकर मदद दें राशन से दवाइयों से जो चाहें आप इंतजाम कर सकते हैं देखिए एक पत्ते में एक गोली नहीं है इतनी परेशान है बिचारी अब आंटी का कहना तो ये है कि उनकी आंखों में अंधेरी आ चुकी है उनको कोई नजर नहीं आ रहा रही ऊपर देखे तो आसमान ये, ये हाल है शुगर बड़ी हुई है ये हाल है समझ में आ रहा है अब आप लोग आए बोल के उठ के बैठी में बस देखिए बहुत तकलीफ हो रही है बहुत तकलीफ में हमें घुटनों में पानी आ गया कहते हैं घुटनों का डॉक्टर मुझसे गोलियां लिखी है मैं, मैं कहाँ से लाऊं गोलियां नहीं तो भी नहीं जैसा रहता रह देखिए इंसान अपने आप को इतना बेबस समझता है आज हमारे माशरे में हमारे मुसलमान लोग ऐसी खस्ता हालत में ऐसे मुस्किल लोग हमारे माशरे में हैं तो हमारे माशरे में कई सारे ऐसे पैसे वाले लोग हैं जो आगे बढ़ के ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं अगर उनके दिल में अल्लाक डाले अगर आप चाहे अगर दिल में अगर आप ठान लें कि हम ऐसे लोगों की कुछ मदद करेंगे हज़ार दो हज़ार पाँच हज़ार पाँच सौ से जैसे चाहे आप मदद अपनी बोलते ना जितनी आपकी हैसियत के हिसाब से आप जितनी आपकी कमी हो उस हिसाब से आप अगर उनकी मदद करना चाहें तो कर सकते हैं आगे बढ़ तो जाहिर सी बात है ये लोग आप लोग को दुआ ही देते रहेंगे उनके बराबर आप लोगों को दुआ लगेगी नक मिलेगी कोई गलत काम नहीं है किसी को दवायाँ दिलाना किसी के राशन का इंतजाम करना किसी के बेवा औरत को को सहारा देना कोई बुरी बात नहीं है तो बस मैं बसती हूँ जितनी जल्दी हो सके आंटी के लिए मदद करिए आंटी को दस हजार रुपए की सख्त जरूरत है ऐसा नहीं कि आंटी ये नहीं करिए कि मुझे पचास हजार दे दो एक लाख दे दो, दो। चाहे तो बेचारे वो भी कह सकती है लेकिन नहीं बस उनकी जितनी चाहती है वो जितनी उनकी मदद की जरूरत है इस वक्त उनको वो उतना ही कह रही है तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितनी हो सके आंटी के लिए मदद करिए खुदाफिज जय हिंद